तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप फिर से कंफर्म कर सकते हैं कॉल करके एक बार या मैसेज करके। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, ये आपका एंगल बी हो जाएगा, आर एक्यूट एंगल, ये आपके एक्यूट एंगल है, तो अभी मैं बताऊंगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक। सच दैट, इस प्रकार से है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, हमको दिखाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और न्यून कोण इस प्रकार से है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, देन तब हमें तब देन शो दैट, दिखाओ कि एंगल ए बराबर एंगल बी आपका होगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, तो हम साइड में समझते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए जब 0 से बड़ी हो जाए और 90 डिग्री से हमेशा छोटी हो जाए। थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए और 90 डिग्री छोटी हो जाए। तो यहाँ पर जो एंगल ए है ना, जो आपका ए है ना, ये आपका जो 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा हो। कभी कभी भी इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए अगर आप पढ़ना इसको होगा तो क्या हो जाएगा, ए जो होगा ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी क्या हो जाएगा, बी आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, और आपका ये 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको एक्यूट एंगल उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब कॉस ए कॉस बी बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट में मैंने समझा रखा है कि कॉस ए कॉस बी क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जब एक फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे एक ट्रेंगल बना लो, ऐसे करके ये आपका ट्रेंगल हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे ट्रेंगल ए, ये एंगल ए, बी ये आपका सी हो जाएगा। अब इससे हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ कर लेंगे, एल्टीट्यूड, जिसका नाम हो जाएगा सी एल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो एंगल ए है, एंगल ए आपका एक्यूट एंगल यहाँ पर है। अब देखिए एक्यूट एंगल मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी हो जाएगी। अगर एंगल ए 90 से बड़ा होता तो ये एंगल मतलब यहाँ से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता। सेम ऐसे ही एंगल बी आपका हो जाएगा, ठीक। एंगल बी आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया फिगर, ठीक है। अब देखिए अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए आपका क्या आपका होता है, कॉस ए आपका क्या होता है, बेस अपान, बेस अपान हाइपो, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। यह इसको हम ले सकते हैं ए एल अपान का ए सी हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, यहां क्या बात करते हैं, कॉस अगर बी की बात करते हैं तो कॉस बी आपका क्या हो जाएगा, बी एल अपान का बी सी हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो अगर इसको इक्वेशन एक मान लो, इसको इक्वेशन दो मान लो, ठीक है, तो फॉर्म इक्वेशन वन इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एल अपान का एल सी हो जाएगा, और कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल अपान का ये बी सी हो जाएगा, बी एल अपान का ये बी सी हो जाएगा। अब देखो हमको, देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए हमको अगर यहाँ तक तो सारे बच्चे कर ले जाएंगे, तो दिक्कत इसके बाद क्या होती है कि हमको ए एल अपान का एल बी लेना रहता है, ठीक है। रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एल अपान का एल बी या बी एल अपान का ए एल आना चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला ए एल है ना, ये वाला ए एल है, बी एल के अपान ले जाएंगे और बी सी को हम ए एल की जगह मतलब चेंज कर देंगे। मतलब कहने मतलब ये है कि हम ए एल और बी सी का एक्सचेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट जाएगा बी सी अपान का ये ए सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी एल अपान का ए एल आ जाएगा, इसको हम के मान लेंगे, कौन से ये आपका क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन आपकी 3 हो जाएगा। अब देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा, अब देखो थोड़ा सा अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ए बी सी, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। उन्होंने बताया था कि हाइपोटेनस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये आपका बेस होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर
बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस का बेस के स्क्वायर के होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बेस, मतलब क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही वाला, ये वाला थ्योरम हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए एल सी, इन ट्रायंगल ए एल सी एंगल एल बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए अगर आपका 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे, ये लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा एल सी के स्क्वायर के प्लस का एल के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। सिमिलरली इंट्रेंगल बी एल सी, इंट्रेंगल बी एल सी एंगल एल कितना आपका आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा एल सी स्क्वायर प्लस का एल बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपकी 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर इक्वेशन 5 से अगर हम एल सी स्क्वायर की निकाले वैल्यू, तो एल सी स्क्वायर देखो हमको यहाँ पर एल सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए एल स्क्वायर को हम भेज देंगे लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर इसकी बात करते हैं, यहां से अगर हम एल सी स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये एल बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये अगर ये इक्वेशन 4 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई करने पे क्या आया है, एल सी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखो यहाँ पर एल सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस का ये माइनस आपका लिखा है एल बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों किसी भी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम द अबव इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर माइनस का ए एल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर माइनस का एल बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां पर इतना हो गया, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहां से, अगर हम ये हम ऐसे रखेंगे पूरा ए सी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अच्छा, हम इतना सभी क्यों कर रहे हैं, तीन झांगड़ा है ना, तो ये देखो इतना हम खुराफात क्यों कर रहे हैं। देखो हमको इसमें दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखो अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी, किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो हमारा मेन एम क्या दिखाना है कि अगर हम इसमें दिखा दें ए सी बराबर अगर हम बी सी दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ए सी बराबर बी सी हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ए सी बराबर बी सी देन एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इतना सब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बी सी स्क्वायर है, तो अगर यहां से अगर हम बी सी की निकाले वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के सी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के सी आ जाएगी। और यहां से अगर हम बी एल की निकाले वैल्यू, तो बी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए एल आ जाएगी बी एल की वैल्यू, ठीक है। ये इतना बात यहां देखो, और ये जो बी सी की वैल्यू और बी एल की वैल्यू, बी एल या एल बी, ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। जब आप बी सी की वैल्यू पुट करोगे क्या जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा के ए सी, फिर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखो अगर हम एल बी की वैल्यू पुट करते हैं, एल बी या बी एल बात एक ही होती है, तो क्या जाएगा के आपका ए एल आ जाएगा, फिर इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर कहीं पर ए इंटू बी पूरे का स्क्वायर लिखा तो इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, तो देखिए ये आपका ए सी स्क्वायर माइनस का ए एल स्क्वायर ये ऐसे रहेगा। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से इसको जब खोलोगे तो क्या आपका आ जाएगा, ये के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आपका आ जाएगा के स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ए एल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों टर्म में के स्क्वायर कॉमन है,
जब के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये आपका ए सी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपका ए सी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर ऐसे लिखा गया है। ठीक, अब देखो ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा इधर से, तो यहाँ से के की वैल्यू किसकी आ जाएगी, के की वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो इधर के स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा, या के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वन आ जाएगा, और अंडर रूट वन आपका वन के इक्वल होता है, तो के बराबर वन आ जाएगा। अब देखो के की वैल्यू लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थ्री। अब देखो, अब हम अगर इक्वेशन थ्री में के की वैल्यू वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये बी सी अपान का ए सी बराबर आपका आ जाएगा ये बी एल अपान का ए एल, जहां पर के है वहां पर वन रख दो। अब देखो एक बार इसको वन के इक्वल करो तो कितना आ जाएगा, बी सी बराबर ए सी इक्वल वन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये बी सी बराबर कितना आ जाएगा ये। अब देखो यहां क्या करोगे, ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बी सी बराबर आपका ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इनके अकॉर्डिंग बी सी बराबर ए सी हम लोग कहा गया है, इसे मतलब ये बी सी आपका ए सी के बराबर है। अब देखो किसी भी ट्रेंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो क्या जाएगा, लिखेंगे इफ, अब यहां आ जाएगा, लिखेंगे इफ बी सी वैसे लिख लेंगे, इफ बी सी इक्वल ए सी देन हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी। ये आपका एंगल, ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। और अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं। ठीक, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से खुश रहिए आप लोग।